अस्सलाम वालेकुम सर, सर आप में से कोई बात करना चाहेगा? आप सर कैसे हैं? सर थोड़ा लाइट में आ जाएं आप, लाइट। अच्छा सर, ये बताइएगा आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करा दें पहले। माय नेम इज़ मिर्ज़ा अली हैदर बेग और आई एम फ्रॉम मरेका यू रोड, तो यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ इस्लामिया कॉलेज में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका मेजर क्या है, आप कौन से डिपार्टमेंट में? बेसिकली मेरा BSIT है, मैं BSIT में इधर एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा अभी। एडमिशन IT में क्यों लिया आप? IT में इसीलिए कि आजकल जो स्कोप है ज़्यादा IT का ही है, सॉफ्टवेयर सारे इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं अगर आप IT एक्सपर्ट हैं, और आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर सकते हैं, आप इजीली सॉफ्टवेयर अपना एक जनरल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं अगर आप एक IT एक्सपर्ट हैं। तो एक IT स्टूडेंट जो है उसको स्टडी का लोड कितना होता है? मैं इस्लामिया कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे उस पर लोड कितना होता है, असाइनमेंट्स होमवर्क वगैरह कितना मिलता है? लोड तो कोई नहीं है, बंदा खुद डेली का काम डेली करे तो कोई लोड फील नहीं होता। अगर आप मतलब घर जाके फ्री बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते ना पढ़ते हैं, तो आप पे लोड पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप डेली का काम डेली करेंगे तो। अच्छा चले, मैं इस तरह करता हूँ कि अगर आपने डेली का काम डेली करना है तो डेली कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा घर जाके? यहाँ पे अच्छे से लेक्चर समझाओ, मतलब आपने बिल्कुल सर की बात पे कॉन्सेंट्रेट करके समझाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे या 1.5 घंटा लगेगा। मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक दिन में 3 क्लासेस हैं, तो आपको इजीली 1.5 घंटे में आप आधा आधा घंटा करके पूरी क्लास। यानी कि अगर हम ये फार्मूला बना लें कि जी आप दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं तो कितने परसेंट आपके नंबर आ सकते हैं फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी? आपका 3.5 GPA से अच्छा आ सकता है। 3.5 जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि सबसे वेल ड्रेस टीचर कौन है? वेल ड्रेस टीचर तो प्रोफेसर हसीब खान साहब ही हैं अभी तक, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। कौन से डिपार्टमेंट में? ये डिपार्टमेंट हमें अभी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि सबसे हैंडसम गुड लुकिंग कौन है? वो ही है। अच्छा वो भी वही है। अच्छा आपके फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर है प्रोफेसर हुरम शहजाद साहब। अच्छा ये बताएं क्यों? उनका बोलने का लहजा बहुत अच्छा है, और तो और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है उनकी। हुरम शहजाद ये मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ, हुरम शहजाद मेरे क्लास वालों। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा सर कि यहाँ पे अभी को एजुकेशन हो गया, तो आपको को एजुकेशन के ऊपर आप कुछ कमेंट करें कि ये अच्छा है बुरा है, आपको इसमें फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, न्यूट्रल, एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं अभी तक तो कोई नहीं है को एजुकेशन, जैसे घर वाला माहौल ही बनाया, जैसे आप अपनी बहनों के साथ रहते हैं वैसे उनके साथ ही एक मतलब कि अच्छा रवैया रखें, तो कोई आपको इशू नहीं होगा उनसे। अच्छा ठीक है सर, ये बताइएगा कि अगर आपको हम प्रिंसिपल बना दें एक दिन के लिए इस्लामिया कॉलेज का, आप सुबह उठें आपका नोटिफिकेशन आ गया जी ये जो प्रिंसिपल हैं आप, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, तो क्या क्या आपका कोई एक या दो स्टेप आप बताएं जो आप लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको इतना करूँगा कि वो रूल्स को फॉलो करें, जैसे कॉलेज में आना प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आना है, क्लास में बैठे होंगे तो सर जब बात कर रहे हैं आपने मजीद बोलना नहीं है, सर को कॉन्सेंट्रेट फुल कॉन्सेंट्रेट होकर आपने सर को सुनना है, तो डिसिप्लिन का ख्याल करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। जॉब्स के हवाले से आपको कुछ मालूम हैं कि हमारे इस्लामिया कॉलेज के जो ग्रेजुएट हैं उन्हें जॉब्स के हवाले से क्या रिस्पॉन्स है मार्केट का? जॉब्स तो इधर आपको पता होगा ये पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेट कर रहा है ये कॉलेज, तो उधर इसकी डिग्री का बहुत वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू मड़े कॉलेज की डिग्री, जैसे वो गुजरात यूनिवर्सिटी से मतलब मिल रही है, तो इधर यही है जॉब्स, आपके अच्छा CGPA आया हो 3.5 तक आया हो तो आपको ईजिली मार्केट में आसानी से जॉब मिल जाएगी। आप अपने बारे में बताएं, आपका क्या प्रोग्राम है बैचलर करने के बाद? बैचलर्स करने के बाद सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना। सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना है अपना सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। मास्टर्स का प्रोग्राम है? मास्टर्स का। चलें ये फ्यूचर में देखेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, लाभ खुश रखें।